किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेल की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट हुक ने सेल कोशिका की खोज की या फिर किसने डिस्कवर किया? क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, किसने सेल का डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो उन्होंने कहां से ढूंढी कोशिका, कहां मिली उन्हें? तो पॉल के पतले कार्ड में उन्होंने खाली खाली छोटे छोटे खाली स्थानों को देखा, जिसकी तुलना उन्होंने किससे की? मधुमक्खी के छत्ते से उसकी तुलना की और उसे क्या नाम दिया? कोशिका। तो उससे आपको क्या समझ आया कि रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है और किससे की है? पॉल के पतले कार्ड में उन्होंने छोटे में पॉल के छोटे छोटे खाली स्थानों में देखकर मधुमक्खी के छत्तों से उन्होंने तुलना की और उसे क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। कोशिका की खोज के बाद हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी, ठीक है? तो सेल थ्योरी कोशिका को समझाने के लिए सिद्धांत दिया गया, जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो सेल थ्योरी, तो इसको सेल थ्योरी किसने दिया? तो दो वैज्ञानिक थे, एमजे स्लाइडे, ठीक है, और है थियोडोर स्वान। तो एमजे स्लाइडे है वो क्या है? वो है वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति वैज्ञानिक से आप समझ सकते हो कि वो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते होंगे। और जो स्वान वो क्या है? जंतु वैज्ञानिक है। तो सन 1938 में जो स्लेटर है उन्होंने पौधों के उत्पो का अध्ययन किया 1938 में, और जो स्वान है वो जो जंतु वैज्ञानिक है उन्होंने 1939 में जंतु की कोशिकाओं का अध्ययन किया। और उन दोनों ने मिलकर कोशिकाओं पर एक सिद्धांत दिया जिसे सेल थ्योरी और कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो इसके आधार पर, सेल थ्योरी के आधार पर हम कोशिकाओं को समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि कोशिकाएं क्या होती है? तो कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। ये अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती। कैसे निर्मित होती है? तो अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। और सभी जीवों में कोशिकाएं के फलस्वरूप उनके शरीर बना होता है। तो बेसिकली क्या आपको समझ आया? ये जो दो वैज्ञानिक है, जो वनस्पति वैज्ञानिक है सीडे और जंतु वैज्ञानिक स्वान, इन दोनों ने मिलकर एक कोशिका का सिद्धांत किया जिसे सेल थ्योरी कहते हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जीवित होती है, ठीक है, ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। और जो बहुपक्षीय के जीव होते हैं जिसमें जो सभी क्रियाएं होती है, जैसे की हो गया पाचन, अवशोषण, ठीक है, और उत्सर्जन, ये जो भी क्रियाएं होती है वो कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप ही हमारे शरीर में होती है। तो इस वजह से तो हम सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोशिकाएं होती क्या है? तो कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोशिका होती है वो सूक्ष्म इकाई होती है शरीर की, जीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाई होती है, ठीक है, जिससे हमारा पूरा बॉडी, हमारा पूरा शरीर बना होता है, जीवों का पूरा शरीर बना होता है। संरचनात्मक बोलने से आप समझ सकते हैं कि रचनात्मक जिससे मिलकर बना है, जैसे मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर पूरा मकान बनता है, वैसे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा जीवों का पूरा शरीर बना है, ठीक है। इससे क्या हो गई? वो संरचनात्मक। और कार्यात्मक मतलब कि जिसके कार्य में, कार्यात्मक मतलब कि मैंने जो बॉडी में जितने भी कार्य होते थे, तो मैंने आपको बताया श्वसन हो गया, ठीक है, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, अवशोषण हो गया, जो भी क्रियाएं होती है वो कोशिकाओं होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप ही होती है। इसमें क्या हो गया? कार्यात्मक इकाई भी है। और सर बोल सकते हैं कि सूक्ष्म इकाई शरीर की क्या होती है? तो क्या होती है? सेल में कोशिका होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि मान लो बोन्स कि कैसे कितनी कोशिकाएं होती है हमारे बॉडी में, कितने शरीर में होती है? तो आप बोल सकते हैं 60,000 बिलियन, ठीक है। कितना बताया मैंने आपको? अप्रोक्स लगभग कितनी होती है? 60,000 बिलियन कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते हैं कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो आप बोल सकते हो PPLO। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? PPLO, जिसका
का पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होती है, तो क्या होता है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, क्या होगा ऑस्ट्रिच का एग, ये क्या हो सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ सकता है। तो मैं आपको शुरू से क्लियर करती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सेल पुस्तक क्या है। तो सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल की खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कहाँ से उत्पत्ति हुई है सेल की, तो 1765 में उन्होंने पौध के पत्ते काट में खाली खाली स्थानों को देखा, छोटे छोटे खाली स्थानों को देखा, जिसकी तुलना उसने किससे की, मधुमक्खी के छत्तों से की, ठीक है, उसको क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। उसके बाद उन्होंने कोशिका की खोज की, तो कोशिका के ऊपर सिद्धांत बने, तो सेल थ्योरी है कि कोशिका आपकी खुद ही क्या है। तो एमजे स्लेडिंग जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, थियोडोर स्वान जो की जंत वैज्ञानिक थे, जो वनस्पति वैज्ञानिक जो पौधों पर रिसर्च करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, जंतु वैज्ञानिक जो जीवों को अध्ययन करते हैं। तो 1938 में उन्होंने क्या किया, पौधों का अध्ययन किया, पौधों के उत्तकों का अध्ययन किया, और जो श्वान जंतु वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, जंतु के कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया कोशिका के ऊपर, जिसके बेसिस पे उन्होंने कोशिका को समझाया आखिर कोशिकाएं होती क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हमें क्या पता चला कि जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है, और सभी जीव कोशिकाओं के ही बने होते हैं, जीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं का ही बना होता है, ठीक है, ये इस बेसिस पे हम समझ आया। और मैंने क्या बताया कि कोशिकाएं कहाँ से निर्मित होंगी, तो वो अपने पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती है उसमें विभाजन के फलस्वरूप ही नई कोशिका बनेगी, ठीक है। और हमारे बॉडी में जितने, और मैंने क्या बताया, हमारे बॉडी में जितने भी, हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं होती है, जैसे पाचन वाचन जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, वो कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप ही होती है हमारे शरीर में, ठीक है। उस वैसे भी मैंने सेल को बताया कि आपसे एक नंबर है पूछ सकते हैं कि कोशिका क्या होगी, तो सीधे से आपको बोलना है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इसे भी मैंने डिफाइन किया कि संरचनात्मक मतलब कि उसी से मिलकर हमारा शरीर बना है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है, कोशिका है। कार्यात्मक इकाई क्या है, तो क्या है, कोशिका है। तो एक लाइन में आप बता सकते, डिफाइन कर सकते कि कोशिका क्या है, तो कोशिका क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हो सकती है, तो 60,000 मिलियन कोशिकाएं हो सकती है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने बताया, तो क्या हो सकता है, बीपीएलओ हो सकता है, बीपीएलओ है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ऑस्ट्रिच का एग है। तो मैंने आपको बताया कि जो सेल है, ठीक है, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू मीन्स उत्तक, ठीक है, उत्तक बनेगा, उत्तक से क्या बनेगा, ऑर्गेन, ऑर्गेन से क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम मींस पूरा बॉडी, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करना, सेल मतलब कोशिका, कोशिका से मिलेगा टिश्यू, उत्तक बनेगा, पूरे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, ठीक है। उत्तक से क्या बनेंगे, पूरा ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से आवरण होगा, मतलब कि वहां बाहर से कुछ
कंटिन्यू कीजिए।